दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जब भी हमारे पास कोई भी मोटर आए, कूलर मोटर आए, फर्राटा मोटर आए, मदानी मोटर आए, चक्की मोटर आए, जो भी मोटर आए, समर्सिबल मोटर आए, कोई भी मोटर आए, सभी के लिए एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। जब भी आपके पास ग्राहक कोई भी मोटर लेके आए तो आप उनको एक चीज़ ज़रूर बोल दें, तो ये बात आपको क्लियर कर लेना चाहिए। हमेशा आप कोई भी मोटर हो, कोई भी काम कर रहे हो रिपेयरिंग में, तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, नुकसान से आप बच जाएंगे। अगर इस बात पे जो मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो में आपने ध्यान नहीं दिया तो दोस्तों आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और ये वीडियो ज़्यादातर नए भाइयों के लिए है, जो नए अभी स्टार्टिंग में शॉप खोलते हैं तो उनको अनुभव जो एक्सपीरियंस है काफ़ी सालों में होता है, शुरू शुरू में बड़ी मार लगती है उनको, सभी के साथ ऐसा होता होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो मैं आपको सिंपल से बात बताऊंगा, जब भी कोई मोटर आती है, मोटर देखिए दो तरह की वाइंडिंग की होती है, या तो एल्युमिनियम वायर से वाइंडिंग होती है या फिर कॉपर से, यानी कि तांबे से वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, ठीक है, कि जब भी आपके पास कोई मोटर आए, कोई भी ग्राहक आपके पास आए, किसी भी तरह की मोटर लेके आए, तो आप एक गलती करेंगे। अगर आप नए नए हैं तो सबसे ये गलती होती है कि वो मोटर को अच्छे से देखते नहीं है। ग्राहक ने बोला कि हमारी मोटर है, बहुत भाई तो ऐसे होते हैं कि मोटर जब भी ग्राहक लेके आए तो उससे पैसा बाद में बताए, पहले पैसा बता देते हैं और ये आइडिया भी लगा लेते हैं कि हाँ मान लो ये मोटर एल्युमिनियम की है, और आइडिया लगा ले पहले से ही क्या तो कॉपर की होगी, ग्राहक ने बोल दिया हमारी मोटर कॉपर की है। और कई भाई तो ऐसे होते हैं ग्राहक से ही उल्टा पूछते हैं कि भाई आपकी मोटर किस चीज़ में है, खुद चेक नहीं करेंगे, खुद चेक करेंगे तो उसका टाइम ख़राब हो जाएगा। हाँ, तो वो ग्राहक से ही पूछ लेते हैं, क्या होगा ग्राहक से पूछेंगे भाई आपकी मोटर, ग्राहक तो बोलेगा उसकी एल्युमिनियम में कॉपर में, उसको पता ही नहीं होता ज़्यादातर भाइयों को, तो उनको ग्राहकों को पता ही नहीं होता है कस्टमर को कि किस चीज़ में, वो बोल देंगे कि कॉपर की है। अब वो कॉपर का प्राइस बता देगा, अब फिर जब वो मोटर को काटेगा, जब उसके पास टाइम होगा तो मोटर को काटेगा और देखेगा तो उन्हें पता चलेगा कि मोटर तो एल्युमिनियम की निकल गई है, मोटर एल्युमिनियम की निकल गई है इस तरह से मान लीजिए, ठीक है, उदाहरण के तौर पे मोटर ले रखी होगी तो मोटर एल्युमिनियम की निकल गई है। अब क्या करेगा, ग्राहक तो गया, ग्राहक का ना तो कॉन्टैक्ट नंबर है ना कुछ है, ठीक है, तो अब क्या करेगा कि वो जो नया भाई है जिसने अभी नई नई शॉप डाली है, नया नया काम है, अनुभव नहीं है, वो मोटर को एल्युमिनियम में बांध देगा, क्योंकि अपने जेब से तो कोई पैसा देना नहीं चाहता, वो एल्युमिनियम की मोटर को बांध देगा और ग्राहक को दे देगा, ठीक है। ग्राहक को लगा कि मोटर कॉपर में बांध दी है, ठीक है, ग्राहक को लगेगा कि मोटर कॉपर में बांध दिया, ठीक है, उस भाई ने भी ठीक किया, एल्युमिनियम में निकली थी, एल्युमिनियम में ही बांध दिया, लेकिन उसने ग्राहक को नहीं बताया। अब वो बताएगा तो ग्राहक बोलेगा, कस्टमर बोलेगा कि ये तो पागल है, पहले ये कॉपर की बता रहा था, ये बोल रहा है कि एल्युमिनियम की है, ये तो मुझे पागल बना रहा है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि कई बार एक चीज़ होती है, मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूँ, आपके पास कोई एल्युमिनियम मोटर आई, ठीक है, और आपने उसको चेक नहीं किया या फिर आपने ग्राहक को नहीं बताया कि ये मोटर एल्युमिनियम की, आपने सिर्फ पैसे बता दिए वाइंडिंग को, ठीक है, और ग्राहक को क्या कहते हैं आपने मोटर दे दी वाइंडिंग करके। अब वो मोटर ग्राहक के पास जल गई, दो से चार दिन के अंदर जल गई, दस दिन में जल गई, तो ग्राहक क्या करता है, जब भी किसी दुकान से मोटर वाइंडिंग करा के लाता है, वो जल जाती है पाँच से दस दिन के अंदर, जो सकता है पंद्रह बीस दिन में जल जाती है, और आपने बोल दिया कि गारंटी तो है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, ग्राहक को पता है कि भाई गारंटी तो इसकी है नहीं, अब वो नए बंदे से वाइंडिंग कराएगा, किसी और बंदे के पास लेके जाएगा, किसी और दुकान पे शॉप पे लेके जाएगा मोटर, और वो वाइंडिंग कराने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, तो वो बंदा उसको बोल देगा कि भाई कहाँ वाइंडिंग करा के लाए हो, जो नए बंदे के पास, नए मिस्त्री के पास लेके गया, इलेक्ट्रिकल वाले के पास लेके गया, वो बोल देगा कि भाई कहीं कहाँ वाइंडिंग कराया, तो एल्युमिनियम में वाइंडिंग कर दिया, तो ग्राहक को लगेगा कि मोटर मेरी कॉपर में थी और एल्युमिनियम में वाइंडिंग कर दिया है इसलिए जल गया। तो वो क्या होगा कि जहाँ पहले वाइंडिंग कराया था उसको चेप हो जाएगा, कस्टमर क्या उससे चेप हो जाएगा, और कई कस्टमर तो ऐसे होते हैं कि उधारी में काम कराते हैं, उधारी में एक मोटर वाइंडिंग कराई, एक ग्राहक ने उधारी में मोटर वाइंडिंग करा ली,
ठीक है, उसमें ऐसा ही काम हुआ कि रात को बताने भूल गए कि कॉपर की है, सॉरी एल्युमिनियम की है, और एल्युमिनियम में उसको वाइंडिंग करके दे दे, ग्राहक को नहीं बताया, और ग्राहक से पैसे लेने और मोटर जल गई। अब ग्राहक आपको पैसा नहीं देगा, इस स्थिति में उसको लगेगा कि आपने उसके साथ बेईमानी करी है, गड़बड़ करी है। आपने तो कोई गड़बड़ नहीं करी, लेकिन उसको लगेगा। ज़्यादातर लोगों का ऐसा माइंड होता है कि कॉपर से एल्युमिनियम कर देते हैं, जिसके दिमाग में ठीक है ये चीज़ें हैं, पर वो पैसा नहीं देगा, बोलेगा कि भाई कैसी मोटर बांधी, वो तो चली नहीं, वो बोलेगा चली नहीं, ये बहाने मारेगा, आप परेशान हो जाओगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ, और इस तरह की जो आफत है, जो चेप होते हैं ना, वो जो चीज़ें होती हैं, वो चेप कराने वाली उसको अलग कर दो, पहले साफ साफ बता दो। अब जैसे हमारे पास, जैसे हम किसी काम में लगे, मान लीजिए कोई मोटर वाइंडिंग कर रहे हैं, अचानक से कोई ग्राहक आ गया मोटर लेकर, तो हमको मोटर को पहले खोलना है, खोलेंगे उसमें देखेंगे जला है नहीं जला है, उसको फिर ग्राहक को दिखाएंगे, किस तरह से दिखाना है, पेचकस लेना है और इसको घिस लेना है, इस तारों को जब आप घिसेंगे तो आपको दिख जाएगा वाइट वाइट निकला, वाइट वाइट निकला तो एल्युमिनियम, रेड रेड निकला तो कॉपर। सिंपल सा चेक करना सबको आता है, ठीक है, ज्ञानी सभी सभी को पता है, अभी तो काम कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मोटर को चेक करके ग्राहक को उस तारों को दिखा दीजिएगा कि भाई देखो आपकी मोटर एल्युमिनियम की, आप अच्छे से देख लो, दिखा लो, किसी से दिखाना है तो दिखा लो, इसका फोटो खींचना है फोटो खींच लो, वीडियो बनाना है वीडियो बना लो, बाद में मत बोलना, ऐसा बोलो तो मत आप, नहीं तो ग्राहक कहेगा कि यार मेरे को ये चीज़ क्यों बोल रहा है। तो आप उनको ये बता दो, सिर्फ इतना बता दो कि देख लो सर आपका जो मोटर है वो एल्युमिनियम में निकला है, और एल्युमिनियम से एल्युमिनियम में ही हम वाइंडिंग करेंगे तो इतने रुपए लेंगे, अगर आप एल्युमिनियम से कॉपर में कराओगे तो हम इतने रुपए लेंगे, अपने चार्ज के हिसाब से बताइए। तो ग्राहक से पहले ये चीज़ें बता दीजिएगा, दिखा दीजिएगा, और उसका एक फ़ोटो भी, अगर ग्राहक ऐसा है जिसको पता ही नहीं है कॉपर एल्युमिनियम का, तो जब भी कोई भी मोटर वाइंडिंग करे तो उसका एक फ़ोटो ज़रूर ले लीजिएगा कि मोटर कॉपर में थी या एल्युमिनियम थी, एक फ़ोटो ज़रूर आप रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत से भाई ऐसे होते हैं क्योंकि वाइंडिंग करा लेते हैं फिर बाद में बोल देते हैं, मोटर तो उनकी पहले ही एल्युमिनियम होती है और एल्युमिनियम में वाइंडिंग करा, बाद में बोल देते हैं कि आपने तो एल्युमिनियम में वाइंडिंग कर दी, आप समझाएंगे कि एल्युमिनियम थी, लेकिन वो बोलेगा कि नहीं मैंने उस मिस्त्री से, उस बंदे से वाइंडिंग कराया था और बोल के कराया था कॉपर का है, और उसने कॉपर का किया था लेकिन आपने एल्युमिनियम कर दिया, वो आपको चेप होगा। तो इसलिए आप एक फ़ोटो आप ज़रूर खींच लें, नहीं नहीं है तो ठीक है। और ग्राहक को एक चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ग्राहक को नाराज़ भी नहीं करना है, लेकिन एक चीज़ भी ध्यान को आपको रखना है कि ग्राहक से कभी भी ज़्यादा बात ना करें, काम की जो एक दो बार समझाएं, और उसे सर पर भी ना चढ़ने दें, ऐसा नहीं कि आपको पैसे काटे या ऐसा कुछ करें, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे, ये बात पहले ही आप कन्फर्म कर लेंगे, रेट का आप पहले करें। बहुत सारे भाई एक गलती और करते हैं, छोटा सा थोड़ा वीडियो लंबा जा रहा, थोड़ा सा टाइम और ले लो आपका, कि वो मोटर को बाहर से ही चेक कर लेते हैं जली है नहीं जली है, जली है कोई मोटर मान लीजिए जल गई है, बांध दिया मोटर को, ठीक है एल्युमिनियम का उसने जो है बात हो गई, ठीक है, लेकिन उस मोटर के बुश खराब मिले, फिर मोटर तो उन्होंने बांध दी, फिर उसको बुश भी अपनी जेब से बदलने पड़ रहे हैं। अब बार बार कस्टमर को थोड़ी ना बोलोगे कि कोई मोटर आ गई, कस्टमर तो चला गया, उसका नंबर नहीं है, कॉन्टेक्ट नहीं, अब बार बार आप थोड़ी ना, हो सकता है कस्टमर 7 दिन बाद आए 10 दिन बाद आए, तो क्या मोटर ऐसे ही पटक के रखोगे, बुश डालना है, बुश की कमी है, वाइंडिंग के बाद भी बुश की कमी है, मोटर चिपक रही है रोटर से, ठीक है स्टेटर चिपक रहा है, तो अब क्या करें आप बुश अपनी जेब से डालेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, मोटर जब भी जली हुई आओ या कैसी भी आओ उसको खोल लें, एक एक चीज़ को चेक करें, साफ ठीक है नहीं है, बुश ठीक है नहीं है, बैरिंग है तो बैरिंग ठीक है नहीं है, ठीक है कॉपर एल्युमिनियम में है या ठीक है मोटर कॉपर में एल्युमिनियम में, ये सारी चीज़ें आप ध्यान से देखें, तब आप कस्टमर से पैसे बताएं, बिना कुछ ऐसे ही मत बताओ, बहुत हड़बड़ी में होते हैं भाई बता देते हैं, कई भाई तो घबराए घबराए रहते हैं पहले ही बता देते, अरे कई भाई ऐसे लगता है कि ग्राहक भाग जाएगा पहले बता दो, तो इससे आपका नुकसान होता है, बहुत हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना चाहिए। तो कोई भी मोटर हो, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक कूलर की मोटर आपको दिखाई है,
तो जब भी ग्राहक मोटर छोड़ के जाए या तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर तो आप ले लो, नाम और कॉन्टैक्ट तो आपको लेना चाहिए कि अगर आप चेक कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, फिर भी उसका कॉन्टैक्ट नंबर तो ले लो, बीच में अगर कोई और कमी निकले तो बता दो कितने पैसे और लगेंगे तो अच्छा है, आपका नुकसान नहीं होगा। और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो और लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सभी भाइयों को जय श्री राम।